कोई जात ना कोई धर्म, सबको बुलाकर जो है उनके सामने यहाँ पर ड्रॉ किया। ये सबसे अच्छी बात हमें लगी है खादर इम्तियाज जलील साहब की, कि ये होता है पढ़ा लिखा इंसान का जो है एक काम करने का अंदाज। उसी देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन के ताल्लुक से एक चीज़ समझ में आई है कि बहुत सारे पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि उनका एडमिशन केंद्रीय विद्यालय के अंदर होना चाहिए, तो बहुत सारे पेरेंट्स वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन एक खासदार को सिर्फ 10 एडमिशन्स कराने का पावर होता है, यानी कि 10 लोगों के ही कूपन्स केंद्र सरकार हमें भेजती है, उसमें से आप जिस किसी को चाहे वो एडमिशन करा सकते हैं, जिस किसी को चाहे आप वो एडमिशन करा सकते हैं। एक सवाल ये है कि बहुत खरीद के लोग जो होते हैं वो ये समझते हैं कि चलिए भाई मैंने है तो दिया हुआ, मेरा एडमिशन हो जाएगा करके। अब वो एडमिशन कैसा होना चाहिए, या तो हमने अपने रिकमेंडेशन खुद अपना तय करना कि ये मेरे खरीद का है, ये मेरे खरीद का है, ये मेरे खरीद का है, और उसको हमने अलॉट कर देना, या हर पेरेंट जो ज़रूरतमंद है, जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसका ख्याल रखते हुए हमने ये तय किया था कि हम जितने भी रजिस्ट्रेशन आएंगे, मेरे हिसाब से तकरीबन 170 लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन कराया था हमारे पास सिर्फ महज 10 सीटों के लिए, तो वो 170 सीटों को हमने है तो चिट्ठियां बनाए और सभी बच्चों के ज़रिए ही ये पूरे चिट्ठियां उठा के 10 के 10 इनके सामने ही हमने कराए हैं, ताकि इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी रहे और पेरेंट्स को भी ऐसा ना लगे कि मैंने दिया था मेरा नहीं हुआ, इसका हो गया उसका हो गया है, तो इनके सामने ही सभी चिट्ठियां लाई गई है और इनके सामने ही ये पूरा प्रोसीजर एक ट्रांसपेरेंसी के ज़रिए किया गया। सर, एक सवाल ये है कि जैसे एक खासदार को सिर्फ साल में 10 टोकन मिलते हैं, तो आपको नहीं लगता सर कि ये अब बढ़ना चाहिए? क्योंकि मैं खुद अपने लेवल के ऊपर ये कोशिश कर रहा हूँ कि औरंगाबाद के अंदर चूँकि आर्मी का एक बड़ा बेस है और पहली प्राथमिकता जो होती है वो डिफेंस के बच्चों को दी जाती है, सिविलियंस का बहुत कम कोटा होता है। अब इतने बड़े ज़िले के अंदर आप सिर्फ अगर 10 बच्चों को अगर अपना सिविलियन कोटे के अंदर से देते हैं, तो बहुत सारे लोगों की जो ख्वाहिशें होती है वहाँ पे पढ़ाने की वो पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए मैंने केंद्र सरकार को लिखित के अंदर दिया हूँ कि औरंगाबाद को एक और केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन किया जाए, और उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। एक आखिरी सवाल सर, अभी सितंबर से स्कूल खुलने के लिए जिला परिषद की तरफ से घोषणा हो चुकी है, तो जो लोग लॉकडाउन में कारोबार जिनके बंद थे, तो इसको लोग फीस की मांग कर रहा है सर, तो आप फीस माफ़ करवाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से? मैंने ऑलरेडी है तो राज्य सरकार की मीटिंग के अंदर ये बात पुट अप करी थी कि बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस का ये मसला आ रहा है कि जो 4 महीने स्कूल नहीं थे, बसेस नहीं चल रही थी, वहाँ पे दूसरे उनके पे एक्टिविटीज़ नहीं चल रही थी, उसके बावजूद भी जो बच्चों से फीस मांगी जा रही है, तो ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी है, क्योंकि अभी हर कोई परेशान है, तो उसमें क्या रियायत देनी चाहिए, इस बारे में सरकार ने कहा कि हम विचार करके इसके ऊपर फैसला करेंगे। अब वो फैसले का इंतज़ार हमको भी है कि वो क्या रियायत स्कूल को भी तकलीफ़ ना हो और पेरेंट्स को भी तकलीफ़ ना हो। सर, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जिस तरह आप जानते हैं जो है खासदार इम्तियाज जलील साहब के ऑफिस के ऊपर जो है ड्रॉ किया जा रहा था स्कूल का, जो पार्लियामेंट की तरफ से जो 10 वैकेंसी निकलती है फ्री के अंदर, बच्चों की पढ़ाई जिस तरीके से होती है, यहाँ पर जो है खासदार इम्तियाज जलील साहब ने बहुत ही अच्छा सिस्टम निकाला। उन्होंने जो है ना ही के जान पहचान हो या पदाधिकारी हो उनके MIM पार्टी के, उनको ना बुलाते हुए जो है उन्होंने सबसे बड़ा इंसाफ ये किया है कि सब लोगों के सामने ना कोई जात ना कोई धर्म, सबको बुलाकर जो है उनके सामने यहाँ पर ड्रॉ किया। ये सबसे अच्छी बात हमें लगी है खादर इम्तियाज जलील साहब की, कि ये होता है पढ़ा लिखा इंसान का जो है एक काम करने का अंदाज। उसी के चलते एक सबसे अहम बात यहाँ पर हमको देखने के लिए मिली, एक जो मामा हमारे साथ है, इनके बच्चे का जो है लक्की ड्रॉ में नाम उठा है, ये खुद गिरनी चलाते हैं, गिरनी चला कर अपना पेट पालते हैं, क्या इतने बड़े सपने पूरे होंगे, हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात, इनसे बात करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं काका इस वक्त आपके बच्चे का नाम आने के? सर, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटे का नंबर केंद्रीय महाविद्यालय में लग गया है, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि लक्की ड्रॉ से माध्यम से वो हो पाया है। सर, ये पूरा क्रेडिट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब के पास ही जाता है सर, उनके वजह से, उनके लक्की ड्रॉ के वजह से ही मेरा बेटा आज केंद्रीय महाविद्यालय में एडमिशन हुआ है। मैं एक आटा चक्की चलाता हूँ हिंदुस्तान आवास नक्षत्रवाड़ी में, 4 रुपये किलो से पिसाना करता हूँ सर, और फर्स्ट स्टैंडर्ड की फीस है 2300 सेंट जॉन स्कूल में है, और केंद्रीय महाविद्यालय में 3 महीने की 1500 रुपये फीस है। इसलिए मेरे लिए, मेरे बेटे को मैं आप डॉक्टर इंजीनियर बनाने का जो मेरा सपना है मैं पूरा कर सकता हूँ। इम्तियाज जलील साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, और उनके वजह से ही आज मेरा बेटा मेरा बेटा पढ़ सकेगा और आगे कुछ बन सकेगा। आपका पूरा नाम बताइए? मेरा नाम नंदकिशोर देवी प्रसाद बागुल।
चलिए, जिसका नंबर तो आ गया है लोग वहाँ पर खुश है, लेकिन किसका नहीं आया है उनसे हम बात करते हैं। काका, इस वक्त जो है आपका नंबर नहीं आया है। नहीं, आपके पास जो फैमिली से जिसका आपने नंबर डाला था, आप क्या मैसेज देंगे या कैसा लगा आपको खासदार इम्तियाज जलील साहब का ये काम? मैं तो अभी कैसा है, यहाँ पर एक कंपनी में मैं सर्विस करता था। मैं 31 जनवरी को मैं रिटायर हो चुका हूँ। अभी मेरी जो लड़की है वो मेरे पास है, उसकी जो लड़की है उसका मैंने अर्जा भरा था, जो कि मेरे नवासी का लड़की की लड़की का, तो अभी वो पढ़ाई नहीं कर सकती, वो अकेली है वो। और ये तो कैसा है, उसको अकेली लड़की है तो मैंने बोला ये हो जाएगा। तो मैंने इतना भी ये समझ के क्या, ये खासदार साहब जलील साहब ने जो किया है वो एकदम सही तरीके से किया है। इसी के अंदर कोई समाज को या कोई आदमी को या कोई किसी को इसमें घुसेगा कोई काम नहीं है। ये जो भी कोई किया है, हमारा जो नंबर नहीं लगा इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई नहीं ले, हम इसमें खुशी है, सब इसमें है। और बाकी के लोगों ने भी इसमें खुश रहना चाहिए। यहाँ पर नहीं नंबर लगता है, शिक्षण नहीं इसमें हर कहीं भी लगता है। जो भगवान, मेरा नाम है कचरू अमन बाविस्कर। चलिए, यहाँ पर एक खास बात ये देखने को मिली, जैसे सर ने बताया कि सर ने ना जात देखा ना पात देखा, और बहुत ही अच्छा सिस्टम यहाँ पर बनाया। हम शुक्रगुजार हैं खासदार इम्तियाज जलील साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के, उन्होंने ये जो सिस्टम यहाँ पर बनाया बहुत ही अच्छा, जो गरीब के बच्चे थे जिसको उसका हक मिलना चाहिए था वो बरोबर मिला। चक्की चलाते थे, जैसे उन्होंने बताया कि चक्की चलाकर अपने बच्चों को जो है पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे इसमें इंसान क्या पढ़ाएगा किसी को, ये बहुत अच्छी बात जो है खासदार इम्तियाज जलील साहब की लगी। और आखिरी में हम एक बात कहना चाहेंगे कि जो पढ़ा लिखा इंसान, जब आप, ये खास बात है पढ़े लिखे एमपी होने की, कि उन्होंने सबको जो है सबके साथ में लेकर जो है इंसाफ का काम किया। आप शुक्रिया अदा करते हैं। जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।